नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स में अमित में बहुत बहुत स्वागत है। मेडिकल स्टोर शुरू करने के बाद एक अहम चैलेंज है कि कौन से मेडिसिन खरीदें। अब मेडिसिन खरीदने के लिए आपके पास कोई आपके रिटेल स्टोर से दोस्तों के लिए पूछते हैं या फिर डायरेक्टली होलसेल के पास जाते हैं, तो कई कबार बहुत बार ऐसा होता है कि जो ज़रूरी है वो मेडिसिन या जो सर्जिकल आइटम्स है वो आते हैं, आते भी नहीं है, फिर आपको ऑर्डर करनी पड़ती है। तो इससे पहले आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एलोपैथी की हो, जेनरिक की हो या सर्जिकल की हो। तो जेनरिक के लिए ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाए, कौन कौन से जेनरिक मेडिसिन आपके नए मेडिकल स्टोर में होने ज़रूरी हैं, तो उसकी लिंक मैंने आई बटन पे प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो ज़रूर देखिए। लेकिन इसके बाद सर्जिकल कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्जिन कोई रिटेल स्टोर में है तो वो जेनरिक में और सर्जिकल्स में। बाकी एलोपैथिक में, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक हो, वो तो चलते रहते हैं प्रोडक्ट, बट देर इज अ फ्लैट मार्जिन। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको मार्जिन कमाने का मौका इन दोनों कैटेगरीज में रहता है। इसके लिए जो रनिंग प्रोडक्ट्स है वो भी रखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपका कस्टमर पूछने ज़्यादा नहीं आता सर्जिकल के लिए कि मुझे ये चाहिए, ये बेल्ट चाहिए या ये डिवाइस चाहिए, तो ऐसा पूछना नहीं आता। यहाँ पे रिक्वायरमेंट जनरेट करनी होती है आपको, तो इसके लिए उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपके पास पहले से स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो लिस्ट प्रोवाइड करूंगा जो आपके मेडिकल स्टोर में होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरी डिटेल में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने अभी तक हमारे रिटेल वर्कशॉप, रिटेल फार्मेसी बिजनेस वर्कशॉप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो वो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको मेडिसिन स्टोर के बारे में फ्रॉम स्क्रैच बताते हैं, कैसे स्टार्ट करना है, लाइसेंसिंग क्या लगेगा, मेडिसिन कहाँ रखने हैं, कैसे रखनी है और कौन सी रखनी है, मार्जिन कैसा होता है, एक्सपायरी कैसे मैनेज करते हैं, डॉक्टर से रिलेशनशिप कैसे बनाएं, प्रिस्क्रिप्शन कैसे रीड करें और एक स्टोर से मल्टीपल स्टोर्स कैसे बनाएं, मेडिसिन से मतलब रिटेल से होलसेल कैसे करें, थर्ड पार्टी कैसे करें, एक्सपोर्ट कैसे करें, चैलेंजेस क्या है उसको ओवरकम कैसे करें, बहुत सारी चीज़ें, हर एक चीज़, माइनर से माइनर चीज़ हम यहाँ पे कवर करते हैं, जो 29 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप ये वीडियो उसके बाद देख रहे हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप ईमेल भी करके पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि इसके बैचेस कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आते हैं कि वीडियो का मेन सब्जेक्ट यही है कि सर्जिकल के कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको रखने चाहिए। सर्जिकल के प्रोडक्ट्स रखना चाहिए तो पहले आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया। तो आज मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। इस लिस्ट को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो फर्स्ट एड जनरल सर्जिकल आइटम्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, दूसरे में मैं हॉस्पिटल के सप्लाई के बारे में बता रहा हूँ, जो हॉस्पिटल में लगने वाले आपकी, आप हॉस्पिटल में आपका अगर मेडिकल स्टोर है तो आपको ये सर्जिकल आइटम्स डेफिनेटली लगेंगे। और नेक्स्ट है सपोर्ट्स, बेल्ट्स वगैरह जो रहते हैं, इसकी एक अलग कैटेगरी किए मैंने। तो चलिए पहले फर्स्ट एड या जो जनरली आपके मेडिकल स्टोर में होने चाहिए, ये क्या जो सर्जिकल आइटम्स है इसके बारे में बात करते हैं। पहला है थर्मामीटर। अब थर्मामीटर अलग अलग होते हैं, जैसे कि पहला एक मर्क्यूरी का थर्मामीटर आता है, एकदम सस्ते आता है, लाइक 70-80 रुपीज कुछ MRP होती है। इसके बाद आते हैं डिजिटल थर्मामीटर, जो जनरली यहाँ पे हिक्स, ये एक कंपनी सबसे फेमस है, इसके बाद और भी कंपनी आपके डिस्ट्रीब्यूटर आपको बताएंगे, तो वो आप रख सकते हैं। सिर्फ एक बात ये जान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटर से पूछिए कि अगर कुछ हुआ तो पीस टू पीस रिप्लेस होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार कस्टमर को आप देते हैं लेकिन वहाँ पे ऑपरेट नहीं होता है तो कस्टमर इमीडिएटली आपको रिटर्न करता है, तो फिर आपको दूसरा पीस देना होता है। इसके लिए अगर पीस डिफॉल्ट हो गया तो पीस टू पीस रिप्लेस होनी बहुत ज़रूरी है। या फिर कुछ ऐसे भी आ गए जो ब्रेक होने के बाद भी कुछ होता नहीं उसको, तो इसके लिए वियर एंड टीयर जैसे एकदम, इसकी MRP भी अच्छी रहती है लेकिन ये बेबीज के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इस तरीके से थर्मामीटर भी आप रख सकते हैं। ये हुआ है थर्मामीटर। इसके बाद कोविड में सबसे ज़्यादा क्या जा रहा है, ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर आप रख सकते हैं,
ठीक है, अच्छी क्वालिटी का रखिए, लेकिन क्योंकि क्या होता है मेड इन चाइना बहुत आ गए, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी है जो वारंटी देती है 6 मंथ की, 1 साल की वारंटी देती है, भले ही उस पर थोड़ा बहुत रेट कम हो, लेकिन ये लीजिए, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है इन दिनों। इसके बाद नेक्स्ट मास्क रख सकते हैं। अब मास्क में 3-ply मास्क है या फिर कॉटन पे भी मास्क आ सकते हैं, अदरवाइज N95 जैसे भी मास्क आते हैं, ये मास्क रख सकते हैं आप। इसके बाद सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र में भी बहुत ज़्यादा है, लाइक एक तो क्वांटिटी वाइज डिफर होते, उसके बाद कुछ फ्लेवर में भी अभी आ रहे, तो आपको जो चाहिए वो रख सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। सबके एक 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 दो दो पीस, तीन तीन पीस आप रख लीजिए, थोड़ा बड़ा है ना जो 500 ml का है, उसका एक पीस तो कम से कम रखिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, कोई भी कभी भी कुछ भी मांग सकता है, तो ये आपका कस्टमर बाउंस होना नहीं चाहिए। इसके बाद ग्लोव्स की भी डिमांड होती है। अब ग्लोव्स में नाइट्राइल ग्लोव्स आते हैं या फिर जनरल जो स्टराइल ग्लोव्स होते हैं वो होते हैं, तो डिपेंड है, क्योंकि कई कबार क्या होता है कि शॉर्टेज रहता है मार्केट में, तो नाइट्राइल ग्लोव्स ही आपको लेने पड़ते हैं, तो आप दोनों भी लीजिए, एक एक बॉक्स लेके रखिए, और देखिए देखिए जस्ट ऐसा होता है कि सर्जिकल में आप कभी भी ना एक बात ध्यान में रखिए कि जो देना है ना वो सिंगल सिंगल पीस देने से आप डायरेक्टली बॉक्स दीजिए और अच्छा रहेगा, कस्टमर के लिए भी थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अगर आप सिंगल सिंगल बेचते तो उसमें भी मार्जिन अच्छा मिलता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, बॉक्स जाने में तो टाइम लगेगा, पूरा बॉक्स गया एक ही बार आपको प्रॉफिट मिलता है, सो लाइकवाइज ऐसी चीज है। इसके बाद क्रोनिक पेशेंट के लिए ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर आप रख सकते हैं, इसके बाद बीपी मॉनिटरिंग मशीन रख सकते हैं आप, ये एक आप फ्री सर्विसेज स्टार्ट कीजिए जब आप मेडिकल स्टोर चालू करते हैं, उसके बाद कस्टमर ऑटोमेटिकली लेके जाएंगे। उसके बाद बैंडेड्स, ये लगने वाली चीज है। उसके बाद अब बात करते हैं हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, इसके अगर आपका नियर बाय हॉस्पिटल है या हॉस्पिटल में, तो ये डॉक्टर डेफिनेटली आपको ऑर्डर करने को बोलेंगे। उसमें एक तो सलाइन का बॉटल आता है, अब सलाइन के बॉटल में एक तो आरएल आता है, ठीक है, या फिर डीएनएस आता है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन या फिर नॉर्मल सलाइन एनएस आता है, इसमें 500 ml 100 ml भी आते हैं। इसके बाद कैथेटर आता है, इसके बाद गॉज आता है, इसके बाद कॉटन बैंडेज आते हैं, रोल्स आते हैं, ठीक है, तो बड़े रोल्स भी, कॉटन बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, तो ये डिपेंड है आपको, जो कंपनी आपका डॉक्टर जो ऑर्डर करना चाहते हैं वो डॉक्टर से पूछे और उसके अकॉर्डिंगली आप मंगा लीजिए। इसके बाद आईवी सेट के बाद कैथेटर, इसके बाद कैनुला, इसके बाद सिरेंज में 2 ml 5 ml 10 ml मैक्सिमम 5 ml सबसे ज़्यादा जाती है। उसके बाद यूरिन बैग्स आप रख सकते हैं, ओके, तो ये चीज़ें आप रख सकते हैं, फिर सीजर हो फोर्सेप हो वो भी रख सकते हैं, अब ये जनरली है। इसके बाद पेरेंट्रल्स भी रख सकते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर से पूछिए कि पेरेंट्रल कौन कौन से रखें, तो उसके अकॉर्डिंगली आप स्कीम मंगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। इसके बाद हॉट वाटर बैग भी आप रख सकते हैं, आइस पैक भी आप रख सकते हैं, तो ये जनरली हॉस्पिटल में लगने वाली चीज़ें। इसके बाद अब बात करते हैं सपोर्ट्स की, तो बेल्ट्स कौन कौन से लगेंगे, पहले तो निकैप लगेंगी, निकैप अलग अलग साइज़ की है, जैसे स्मॉल, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा लार्ज, इस तरीके के होती है। इसके बाद स्टॉकिंग्स होते हैं, वेरिकोल स्टॉकिंग्स, अब ये भी आप बोल सकते हैं। अब बेल्ट्स में एब्डोमिनल बेल्ट भी होते हैं, ठीक है, एंकल बेल्ट होते हैं, सर्वाइकल सपोर्ट होता है, कॉलर सपोर्ट होता है, तो अलग अलग तरीके के सपोर्ट्स आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएंगे। इसके बाद बॉडी फैट एनालाइजर रख सकते हैं आप, इसके बाद एक्यूप्रेशर की चप्पल है वो भी रख सकते हैं, या साइकिलिंग साइकिल रहती है एक्सरसाइज वो भी रख सकते हैं, तो डिपेंड है, अगर कस्टमर ऑर्डर करना चाहता है, मतलब डिमांड है आपके एरिया में, तो आप रख सकते हैं। तो जनरली ये जो सर्जिकल प्रोडक्ट्स है ये कैसे सेल करना है, इसके लिए आपको पहले ये डिस्प्ले करने होंगे, एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट रखिए जहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट का एक एक पीस रखिए, सारे मतलब एक तो सपोर्ट्स की आप रख सकते हैं, सैनिटाइजर मास्क वगैरह ये तो आपको जनरली रखने ही पड़ते, तो एटलीस्ट आप कस्टमर के दिखेंगे, कस्टमर को दिखने के बाद वो नीड जनरेट हो जाएगी, वहाँ पे आप बेच सकते हैं, अदरवाइज कस्टमर की डिमांड देखिए उसके अकॉर्डिंगली वो आप स्टेप बाय स्टेप, आप जैसे कि मेडिसिन के लिए जेनरिक में पहले कन्वर्ट करते वैसे ही डिवाइसेस के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के घर में कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट हो, हाइपरटेंशन पेशेंट हो, या और भी कोई क्रोनिक सेगमेंट से जूझ रहा हो, कोई भी होता है।
अब इसमें रिस्पायरोमीटर भी है, वो भी आप रख सकते हैं। तो कुल मिला के बहुत सारे सर्जिकल प्रोडक्ट्स हैं जो आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया जो मोस्टली रनिंग है। इससे भी आगे अगर इन डेप्थ आपको कौन कौन से सर्जिकल आइटम्स रखने हैं, इसका रेट क्या है, इसका यूज क्या है, ये अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा लाइव वर्कशॉप ऑन रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट, जहाँ पे हम मोर देन 1500 ब्रांड्स बताते हैं। ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।